नाली और ऐसा हर तरीके का रोड, बहुत रोड बन गया था और हैंड पंप। और आपको आगे चल के आपका जो एरिया है, कॉलोनी में है या ऐसा कुछ आपका काम बाकी है या हम कर सकते हैं, आप बता दीजिए, हम इलेक्शन के बाद आपके लिए वो पूरी कर देंगे। वही बता रहे बेटा, अभी इलेक्शन के बाद हम करवा सकते हैं आपको, ठीक है? और आप बताइएगा, वो रोड जरूर बन जाएगा इलेक्शन बाद, जरूर बन जाएगा। हाँ, और आप सबको पता है धनंजय भैया, आपके बीच में पिछले 25 साल से आपका सुख दुख में साथ दिए हैं। और अगर पद है या नहीं है, आपके साथ दिए हैं, आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं गए। हाँ या ना, बता दीजिए भाई। नहीं, सही बात है, हमेशा सुख दुख में साथ। और अभी जो बीजेपी का कैंडिडेट या सपा का कैंडिडेट, दोनों बाहर की है, एक बम्बई से आए हैं और एक बांदा से आए हैं। आप लोग कल आपका समस्या लेके बम्बई जाएंगे? नहीं, या बांदा जाएंगे? नहीं। आप लोग कहाँ जाएंगे फिर? बस भैया के पास, आपके पास। बनसपा या जौनपुर, दोनों जगह में हमारा हम रहते हैं। आप लोग कभी भी उधर आ सकते हैं आपका समस्या लेके, और हम लोग काम करने वाले हैं आपके लिए। और हम लोग कमाने के चक्कर में राजनीति नहीं करते हैं भैया, कभी गरीबों के लिए बहुत सोचते हैं। और जब हमको टिकट मिला है, हम घबराहट हो गया, हमने कहा अरे आप तो अंदर है, कैसे लड़ेंगे इतना चुनाव। तो एक ही बोले, बाहर जाइए और एक बार आप देख लीजिए, सब चेहरे में धनंजय, एक एक धनंजय दिखेंगे। तो आपको वादा किया, आप सब उनकी मेरारू, मेरा साथियों और मेरे भाई सबको हम प्रणाम करती हूँ। पहला आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग 2 साल पहले हमको भारी माध्यम से वोट देके हमको अध्यक्ष बनाया है। आपको मालूम है? जी जी, जी मालूम है। तो आज सबकी तुलना है वो चुनचिया है, तो लोग बच्चों को पैदा दीजिए, फिर बाद में दूसरा कुछ काम करिए। 5 बजे में